हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम टू टेक्निकल जैसम भाई लोग। तो निकल गए आज फिर से बूम बाम करने भाई। तो बूम बाम होता है, घूम घाम होता है, अभी पता चल जाएगा। अभी अपन इस टाइम नेहरुल डीवाई हॉस्पिटल के पास खड़े हैं। तो अपना जो आज बुकिंग रहा, पहला बुकिंग मैं चेंबूर फाटक से लिया था। मैंने चेंबूर फाटक सिग्नल से जो बुकिंग लिया था, थाने वेस्ट का लिया था मैंने। थाने वेस्ट मैंने एजेंसी में डाउनलोड कर दिया, पैसेंजर को अपलोड कर दिया, डाउनलोड कर दिया, जो भी है कर दिया भाई। 23 किलोमीटर था, 308 रुपये टोल के साथ मिला है। ओला का बुकिंग था, पहला बुकिंग था। उसके बाद दूसरा मुझे वहाँ से फिर उबर बजाया भाई, उबर नेहरुल डीवाई का बजाया मुझे, जिसका कुछ अर्निंग 322 रुपये मिला है मुझे, 322 रुपये मिला है। तो इस तरह से दो बुकिंग कंप्लीट हो गए, अच्छा पैसा दिया है। तो अभी सुधार कर लिया ओला उबर ने, पैसा फिर से सही देने लगे लोग। तो 322 ओला और उबर, उबर का मैंने जैसे बताया आपको 300 कुछ रुपए था, इस तरह से बुकिंग हो गया। और कल भी काम अच्छा था, तो काम जल्दी करके निकल गया था। आज भी काम लग रहा है अच्छा हो जाएगा या नहीं होगा। ये रिफंड आया है 360 रुपीज़, कैसा रिफंड है मालूम नहीं, अभी देखने वाले हैं इसको भाई। 750 रुपये तक की अर्निंग हो गई अपनी। और चलता हूँ सामने वाशरूम वगैरह से आता हूँ, उसके बाद फिर से बम बम करता हूँ भाई। हेलो फ्रेंड, तो फाइनली अपने को नेहरुल से मैंने सीएनजी भरा, और उसके बाद जस्ट मुझे डीवाई के अपोजिट साइड से नेहरुल से मुझे बुकिंग लग गया। मुंबई की तरफ हाईवे पे ही खड़े थे। जो बुकिंग लगा है वो मुंबई सेंट्रल का लगा है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का लगा है। 31 किलोमीटर था जो मुझे टोल के साथ मिला है, 357 + 40, तो 357 + 40 रुपये मुझे मिला है टोल के साथ। सॉरी यार, 357 टोल के साथ मिला है ओला का। तो बोला ना, आजकल ओला कम दे रहा है पैसा, उबर अच्छा दे रहा, ओला कम दे रहा है। तो ओला ने जो दिया है 10 रुपये के हिसाब से दिया है, चले ठीक है, 10 रुपये हैचबैक के लिए 10 रुपये ही मान्य होता है। तो इस हिसाब से 360 रुपये दिया ओला ने। तो आज की जो अपनी अच्छी खासी 3 अर्निंग हो चुकी है, और 3 अर्निंग में कुछ 1000 की अर्निंग हो चुकी है। और 3 बज रहा है एग्जैक्ट, 3 बुकिंग 3 बज गए। और मैं मुंबई सेंट्रल से थोड़ा सा आगे आकर इधर खड़ा हूँ HDFC बैंक के पास, और थोड़ा नींद मारता हूँ 1-1 घंटा। उसके बाद देखता हूँ, बुकिंग तो आ रहे थे लेकिन अभी थोड़ा नींद आ रहा है, तो उसके बाद थोड़ा सो लेता हूँ, उसके बाद बुकिंग लेता हूँ फ्रेंड्स। तो जो भी डिटेल रहेगा आपको बता दूंगा, रात का क्या हाल है, ओला उबर का बिजनेस है कि नहीं है, रात में अपन काम करके पैसा यहाँ से कुछ कमा सकते हैं कि नहीं, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो पूरी वीडियो आखिरी तक देखना और एक एक डिटेल को समझना कि बुकिंग किस तरह से मिलता है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, और कितना यहाँ पे मेहनत है। नींद आए तो ज़रूर नींद मारना चाहिए, जैसे मुझे नींद आ रहा है तो अब मैं सोने वाला हूँ, बुकिंग से वगैरह लूँगा नहीं। कम से कम 1/2 घंटा तो झपकी लेना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है भाई। तो चले फ्रेंड, जो भी है बताते हैं आगे। हेलो फ्रेंड, तो फ्रेंड मुंबई सेंट्रल से एक बुकिंग आ गया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। उबर का बुकिंग था, और कहाँ का था पता है, नायगांव का। नायगांव का बुकिंग भाई, लंबा बुकिंग था, 730 रुपये मिले टोल के साथ। उबर का बुकिंग 730 रुपये, और कितना किलोमीटर था अभी बता देता हूँ। जो 1 किलोमीटर था 58 किलोमीटर था, 58 किलोमीटर का 693 नॉर्मल फेयर, 700 रुपये दिया है उबर ने, और प्लस 40 रुपये टोल दिया, यानी 730 रुपये दिया टोटल। तो बहुत अच्छा था यार उबर का, रोज का हो गया भाई रात में ही। तो उबर का बोला ना, अभी रात में अच्छा फेयर देने लगा। एक टाइम ओला का अच्छा फेयर था, लेकिन अब उबर अच्छा फेयर देने लगा है, तो अच्छी बात है। तो उबर अभी लाइन पे आ चुका है, और बढ़िया पैसा अच्छा ठीक ठाक देने लगा है, 10 रुपये से ज़्यादा ही दे रहा है, 11 रुपया, ऑलमोस्ट 11 रुपया दे ही दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड, अब आ गए हैं नायगांव में, अब यहाँ से 5 बज रहे हैं एग्जैक्ट, और 1-1 घंटा आराम करते हैं, और बुकिंग आ गया तो ले लेंगे। वैसे आ जाना चाहिए बुकिंग यहाँ पे, अर्निंग अपनी हो गई है 1700 रुपये की, और ये अर्निंग यहाँ से और हो जाएगी तो अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी, उसके बाद घर पे चले जाएंगे। तो एयरपोर्ट का वेट करते हैं, और जो भी रहेगा आपको बताते हैं। एकदम बूम बाम होता है, घूम घाम होता है, या फिर सुतसात हो जाता है। तो चले फ्रेंड, जब तक लाइक बटन को फोड़ फाड़ कर दीजिए आप। तो फ्रेंड, तो आराम नसीब में नहीं है, 5:07 बज गया है नवा पाड़ा बिले पार्ले उबर का। तो चलिए भाई, पैसेंजर को ड्रॉप करते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या T2 है, T1 है, विले पार्ले लिख के आया था, T1 होगा, देखते हैं जो भी होएगा भाई। सुयोग नगर वसई वेस्ट
पैसेंजर को लेते हैं और फटाक से ड्रॉप करते हैं और जो भी होएगा बताते हैं आपको। बुकिंग तो मिल गई भाई एकदम मस्त। एंड मुझे पता था नायगांव से बुकिंग नहीं मिलने वाला, तो नायगांव से 8 किलोमीटर दूर वसई आ गया मैं, वसई वेस्ट में। और जैसे ही आप लोग से वीडियो रिकॉर्ड करके रखा, सोचा चलो सीट भी रिक्लाइन हो करा, कुछ नहीं किया, तुरंत बच गया। तो अब चलते हैं पैसेंजर को देते हैं, यहाँ से 900 मीटर की दूरी पर 3 मिनट के रास्ते पर है पिकअप, और उसके बाद पैसेंजर को ड्रॉप करके सीधा एयरपोर्ट पर ही आराम मिलने वाला है अब। तो यही था वसई में, अच्छा बुकिंग मेरा मिल जाता है। नायगांव में कभी भी आप रात में रुका मत करो यार, नायगांव से बुकिंग जल्दी उतना है नहीं कुछ खास, और वसई से अपने को फटाक से बुकिंग मिल जाता है। आज के लिए यही ज्ञान था। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड फाइनली यार नींद आ रहा था, जो मैंने अपना नायगांव से बुकिंग लेके गया था, नायगांव का मुझे 650 रुपये मिले टोल के साथ, नायगांव से T2 एयरपोर्ट का। और पहुंचते मुझे थाना का बज गया था 6 बजे, लेकिन यार नींद आ रहा था, मैंने बुकिंग नहीं लिया 1.2, क्या मालूम क्या समझ में आया, बुकिंग ही नहीं लिया। तो उसके बाद छोड़ो नहीं लिया, नींद भी आ रही थी, जाके सो गया भाई। उसके बाद सीधा 8 बजे के बाद उठ रहा हूँ, 8:30 बजे। तो 8:30 बजे एक भिंडी बाजार का बुकिंग लिया था मैंने 1.11 ओला का, तो जिसका मुझे कुछ कितना मिला है बता देता हूँ आपको, भी नहीं कर रहा है, 345 रुपया मिला है मुझे, 20 किलोमीटर का 345 रुपया मिला है। और अभी मैं खड़ा हूँ भिंडी बाजार में, और देखते हैं आज से अभी बुकिंग वगैरह है कि नहीं है, अपन निकलते हैं अपन। चल ले लो, थोड़ा सा निकल जाएंगे हम लोग। अभी निकलते हैं घर पे भाई, बहुत ट्रैफिक है, चीचा एक रॉन्ग साइड में खड़े हो गए थे, उनको टर्न नहीं लेना था फिर भी। तो फाइनली फ्रेंड अब अपन भिंडी बाजार से एमटी घर पे जा रहे हैं, अब और बुकिंग नहीं करेंगे। तो आज का जो अर्निंग है अच्छा खासा अर्निंग हो गया, कुछ 2700 रुपये का काम किया मैंने, फ्राइडे की रात को निकला था, 2700 का काम किया है। और ये आज काम ज़्यादा हो सकता था, लेकिन एक बुकिंग, एक गलती की वजह से ये थोड़ा रह गया, नहीं तो ये जो बुकिंग था ये अपना 3000+ हो जाता था। लेकिन थोड़ा सोने के चक्कर में मैंने थाना का बुकिंग जो छोड़ा, 6 बजे ही बुकिंग छोड़ा, तो 6 बजे ही मेरा ये 3000 रुपया हो जाता था वहाँ पे। तो चलिए कोई बात नहीं, निकलते हैं अब घर की तरफ। और जो भी है आज का बताना चाहता हूँ कि भाई देखो एयरपोर्ट पे आज सर्च पूरी बुकिंग सर्च पे थी यार, रात में 6 बजे आया तो भी सर्च पे ही सब बुकिंग आ रहे हैं। लेकिन यार टोकन पीछे ढकेल देता है एयरपोर्ट पे इतना, अगर टाइम आप रुकते हो तो सोच समझ के रुका करो, टोकन पीछे भाग जाता है। इसलिए टोकन पीछे क्यों जाता है, हम बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते भाई, बुकिंग कहाँ के आते हैं मालूम है आपको, 80% अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, साकी नाका, उसके बाद आएगा आपको गोरेगांव, जोगेश्वरी। तो भाई घंटों इंतजार करेंगे, और ये सिर्फ 200-300 रुपए के लिए, 150-200 रुपए के लिए हम थोड़ी ना वहाँ पे बुकिंग एक्सेप्ट करेंगे, है कि नहीं। तो जब वहाँ पे इतना वेट कर रहे तो कम से कम वहाँ से बड़ी बुकिंग होनी चाहिए, मिनिमम 300 रुपए का तो प्रॉफिट हो जाए, ऐसा बुकिंग ले लो एयरपोर्ट से। तो चलिए लास्ट में अपने को अच्छा भिंडी बाजार है, 1111 ओला का मिला था, तो ओला का 111 अच्छा बुकिंग मिलता है, अच्छा पैसा देता है, तो 345 कुछ रुपए दिया था मुझे। और अब निकल चुके घर पे, 2700 रुपए का अर्निंग हो चुका है मेरा। और CNG जो गया है आज 800 रुपए का गया होगा, CNG 700-800 रुपए, 800 रुपए का पकड़ लो, 800 रुपए का CNG गया होगा। और MT जो 20 किलोमीटर घर जाना पड़ता है वो भारी पड़ रहा है यार, 20 किलोमीटर का अगर एक बुकिंग मिल जाता तो भाई 300 रुपए का काम बन सकता था यहाँ पे, लेकिन डेली का हो गया मेरे को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर डेली MT जाना पड़ता है, तो वही थोड़ा भारी पड़ जाता है। तो चलिए फ्रेंड जो भी डिटेल है मैंने दे दिया, दिन में बिजनेस तो आजकल दिन में बिजनेस नहीं है, रात में बिजनेस भी नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा समझदारी से काम लेंगे तो रात में बिजनेस हो जाता है और दिन में भी बिजनेस हो जाता है, अगर हर बुकिंग को एक्सेप्ट करें तो दिन में भी बुकिंग अच्छा है। लेकिन दिन में मेन क्या है प्रॉब्लम, ये है कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है मुंबई में, लोग ट्रैफिक से परेशान है, बुकिंग सब एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हर बुकिंग लेना चाहते हैं, हर कोई पास नहीं करना चाहता, लेकिन ट्रैफिक से सब परेशान हो जाते हैं।
तो जिसकी वजह से बुकिंग मुंबई के अंदर साइड का कोई बुकिंग लेना ही नहीं चाहता दिन में ट्रैफिक की वजह से, तो इसीलिए बस है और कुछ नहीं। बाकी मुंबई के अंदर तो बुकिंग बहुत है भाई, भरमार है। चलिए फ्रेंड जो भी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। आप लाइक नहीं करते हो यार, अब कम से कम लाइक बटन करके ही जाया करो, क्या जाता है लाइक करने में। चलिए बाय बाय।